हाथ पैर सुन होना या हाथ पैर में चिटिया आना, नमनेस एंड टिंगलिंग, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई अकोला पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हाथ पैर सुन होना, चिटिया दौड़ना या टिंगलिंग नमनेस, मराठी में ऐसा बोलते हैं कि हाथापायामध्ये मुंग्या धावतात, तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं और ये लक्षण को लेके हमारे पास में पेशेंट आते हैं। तो इसके कारण क्या है हमको देखना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, और कारण का इलाज करते हैं तो ये टिंगलिंग नमनेस जो है हाथ पैर में, हाथ पैर सुन होना या चिटिया दौड़ना, ये निकल जाएगा। कहते हैं कि एक जगह हम खड़े हैं और पैर के ऊपर पैर रखे हैं समझो बैठकर, तो सुन हो जाते हैं, नस दब जाती है। तो कभी सोते हैं हम तो हाथ ऐसा उल्टा पुल्टा रह जाता है, खाली नस दब जाते, फिर उठने के बाद में एकदम सुन हो जाते हाथ पैर। या गर्दन में कभी चोट पहुंच गई, या गर्दन गर्दन में जो मतलब स्पाइनल कैनाल जो है वहाँ कहीं चोट लग गई तो हाथ सुन हो जा सकते हैं। और वैसे दोनों पैर सुन होना तो कमर में चोट लगने पे या स्पाइन को कहीं चोट लग गई तो हाथ पैर सुन हो जाते हैं। फिर कभी डिस्क जो है वर्टेबल डिस्क वो हर्नियेटेड हो गई, हर्निया बाहर निकल गई थोड़ी सी, तो उसमें हाथ पैर सुन होते हैं, दर्द भी बहुत होता है। या कहीं भी प्रेशर आता है नसों के ऊपर, या खून का सप्लाई वो जगह पे नहीं पहुंचता है बराबर, तो होता है हर्पीज जोस्टर से ऐसा हो जाता है। फिर कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, सोडियम की कमी खून में, बी12 की कमी, डायबिटीज मेलाइटस मतलब मधुमेह या शक्कर की बीमारी जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, मतलब हाथ पैर की उंगलियां जो है वो सुन हो जाती है, शराब और सिगरेट पीने के कारण ऐसा होता है। तुमको ये देखना पड़ता है कि भाई ये जो सुनपना है हाथ पैर में सुनपना है, इसका कारण क्या है, तो कारण ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज है, EMG है, फिर CT स्कैन, MRI, फिर EMG, EEG, खून की टेस्ट, हाइपोथायरायडिज्म से ऐसा हो सकता है, हाइपोथायरायड, तो ऐसे अलग अलग टेस्ट करके देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। एक्सरे, स्पाइन के एक्सरे, नेक का एक्सरे, लोअर बैक का एक्सरे, या MRI लोअर बैक का, या नेक का MRI, ऐसा सब निकाल के देखना पड़ता है कि नस कहाँ दब रही है। तो नस दब रही इसलिए ऐसा होता है, खून का सप्लाई ठीक नहीं है, या नसों में सूजन आ गई है तो ऐसा होता है। तो इसका कारण एक बार मालूम हो जाए तो फिर उसका इलाज कारण के अनुसार हम कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई कारण नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल उसको डिप्रेशन में ऐसा होता है तो ये समझ के कि भाई ये डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, तो डिप्रेशन एंटी डिप्रेशेंट देते हैं फिर, या एंटी एंग्जाइटी ड्रग देते हैं, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, सब नॉर्मल आ रही टेस्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एंटी डिप्रेशन हम दवा देते हैं तो उससे अच्छा हो जाता है व्यक्ति। स्ट्रेस एंड टेंशन से भी ऐसा होता है, तो एंग्जियोलाइटिक जब देते हैं ना तो एंग्जियोलाइटिक से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। यदि कोई कारण मिलता नहीं तो हम हिप्नोथेरेपी करते हैं जिससे बहुत लोगों को आराम पड़ता है। तो यह कारण और उसका इलाज। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो, ताकि बहुत लोगों को कंप्लेंट रहती है कि सुन हो गया हाथ पैर, या चिटिया दौड़ रही है, या सुनपना आ गया। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।